दोस्तों, डांगी और सालार का रिलीज डेट जब से एक ही साथ में कॉन्फर्म किया गया था तब से बोल रहे हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री का फास्ट ऐसे हिस्ट्री बनाने वाला है कि बिग क्लैश होने वाला है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे डांगी और सालार जो एक ही साथ रिलीज हो चुका था, वो किसने बाजी मारा, किसने फ्लॉप हुआ, किसने हिट, किसने ज़्यादा कमाई कर लिया। तो अगर हमारा चैनल में नया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अब बात करते हैं डांगी के बारे में। डांगी एक ऐसा मूवी है ना जो रियल लाइफ पे बेस करता है, किसी के एक आदमी का रियल लाइफ पे बेस नहीं करता है। डांगी में डांगी का बहुत सारा रियल हिस्ट्री पे वैसे इंस्पायर स्टोरी है। लेकिन जो सरार के बारे में हम क्या, तो सरार में कोई रियल हिस्ट्री नहीं है, कोई ये नहीं है। सरार आप देख ही चुका है कि प्रभास का जो लुक है, लुक काफ़ी अच्छा है, जो एटीट्यूड लेवल है, एटीट्यूड लेवल मुझे ज़्यादा खास अच्छा लगा है। लेकिन जो प्रभास का डायलॉग, हम क्या बात हो, प्रभास का डायलॉग सिर्फ 3-4 डायलॉग में 3.5 घंटा का मूवी ख़त्म कर दिया। इसे कौन कौन मूवी बनाता है, आप खुद ही सोच लो। लेकिन अभी तक का जनरेशन ये बात नहीं समझता है, क्योंकि जो मूवी का लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मूवी का जो स्टोरी लेवल है, स्टोरी लेवल अच्छा होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग बोलोगे कि डांगी एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक्शन मूवी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ डांगी एक एक्शन मूवी नहीं, लेकिन डांगी और सालार का कंपैरिजन कभी नहीं बनता है, क्योंकि डांगी अलग कैटेगरी का मूवी है और सालार अलग कैटेगरी का मूवी है। लेकिन जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो डांगी मूवी है वो फ्लॉप हुआ है, सालार मूवी ब्लॉकबस्टर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डांगी ऑल 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और सालार भी 500 करोड़ का आंकड़ा पार चुका है। लेकिन जो बजट के मामले में क्या बात हो, सालार का बजट है 700 करोड़ और जो डांगी का बजट है 200 करोड़। लेकिन जो सालार का, अगर डांगी का बजट 500 हुआ तो सालार का कितना होना चाहिए, उसका डबल है बजट, तो उसका होना चाहिए 1000 करोड़। लेकिन इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुका है वो भी, उसी में डांगी का लाइफ टाइम कलेक्शन ज़्यादा है। लेकिन सालार 3-4 लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक सालार का 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर नहीं पाया। लेकिन हमको ये क्या बताऊँ, लोगों ने बहुत सारा बोलते हैं कि एक मुक्का में 4-5 आदमी उड़ के गिरता है, लेकिन इसी को लोग अच्छा बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या बताऊँ, जो एक मुक्का में 4 आदमी गिरने से बेहतर तो एक डायलॉग में 4 आदमी हंसा या रोने में अच्छा लगता है ना मूवी में। लेकिन जो स्टोरी लेवल है डांगी का, वो तो इमोशनल, बहुत ड्रामेटिक है। क्या बताओ, जो स्टोरी है वो अचानक आपको दिल में लग जाएगा। क्योंकि ये नहीं बताऊँ कि राजकुमार हिरानी का ये बेस्ट मूवी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा काम किया रेडिएट पी के मुन्ना भाई MBBS से, ये मूवी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बेस्ट मूवी है राजकुमार हिरानी का। राजकुमार हिरानी एक ऐसा लौटा है डायरेक्टर है कि अभी तक फ्लॉप मूवी नहीं दिया है, 100% सक्सेसफुल डायरेक्टर है। और सालार में एक ही तरह की डायरेक्शन है, एक ही तरह की एक्शन लेवल है, एक ही तरह का डार्कनेस है, एक ही तरह का स्टोरी लेवल है। वो क्या है, सिर्फ एक जगह की वजह से लड़ाई चलता है नहीं। और सालार का जो क्लाइमैक्स है, जो स्टोरी है, स्टोरी कौन ऐसा बनाता है, स्टोरी में कोई, लेकिन हाँ अभी, लेकिन आजकल के लोगों क्या चाहिए, एक लत में एक मुक्का में 3-4 आदमी उड़ के दूर गिरना, सॉरी ओके तेरे साथ रहूँगा, ये कोई डायलॉग होता है मूवी का। एक हीरो में अगर डायलॉग ज़्यादा दिया गया तो पृथ्वीराज चौहान को ही ज़्यादा डायलॉग मिला है, लेकिन एक्टर के मामले में ये सालार को कौन ऐसा डायलॉग देता है। सिर्फ आप मूवी अगर देखा तो 4-5 डायलॉग में ही मूवी ख़त्म, ऐसा मूवी कौन बनाता है। ये जो मूवी है ये पृथ्वीराज चौहान का मूवी बोल सकते हैं। डांगी सालार से बेहतर मूवी है, अगर डांगी नहीं देखा तो अभी जाके डांगी देखो। ये 100% ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाला है डांगी, मैं लिख के देता हूँ। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर डांगी मूवी नहीं देखा तो अभी जाके डांगी देख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।